when it comes to social innovation, then if you link it with youth development, then I think we believe we have a lot of options available for the young people coming from diverse backgrounds. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ आपके होस्ट मदीहा खान, प्रोग्राम रोड टू सक्सेस। और आज मेरे प्रोग्राम जो है एक स्पेशल प्रोग्राम है यंगस्टर्स के लिए। जी हाँ, यूथ की हम बात करेंगे और ऐसे आइडियाज़ और हिंट्स पे बात की जाएगी जिसमें जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारी जो यूथ है, वो अपने फ्यूचर को लेकर के किस तरह से हेल्प ले सकती है और अपने आप को यूज़ कर सकती है और नए नए आइडियाज़ जो हैं वो किस तरह से मुतारिफ़ कराए जाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि सलमान तासीर शहीद के लिए एक अवार्ड सेरेमनी, एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जा रही है। कॉन्फ्रेंस जो है, इस कॉन्फ्रेंस में कहाँ कहाँ से लोग शिरकत करने आ रहे हैं और कितने रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस है, साथ ही साथ इस कॉन्फ्रेंस में और कौन से हमारे शहदा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दी, उनको सराहा जाएगा, खिराज तहसीन पेश किया जाएगा, अवार्ड्स दिए जाएंगे, अवार्ड सेरेमनी होगी स्पेशली। और साथ साथ मैं बात करूँगी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेम्बर रहे हैं और साथ ही साथ डायरेक्टर हैं यूथ प्रोजेक्ट के, मेरे साथ आज नसीम खान अचकज़ई मौजूद हैं। नसीम से बात करेंगे किस तरह से वो जो हमारी यूथ हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह से क्या आइडियाज़, क्या हिंट्स दे सकते हैं। नसीम, अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। बेसिकली आई वाज बोर्न इन बलूचिस्तान, आई बिलोंग टू बलूचिस्तान, द प्रोविंस ऑफ ब्लैक माउंटेंस। सो मेरी पैदाइश उधर की है, मेरी अर्ली स्कूलिंग उधर की है। उसमें बस बदकिस्मती से होता है, फॉर इंस्टेंस व्हेन यू आर एक लेवल आ जाता है एजुकेशन का, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर डन विद योर ओ एंड ए लेवल्स और एफएससी जो आपको कहते हैं, या कॉलेज, सो उसमें जो हायर एजुकेशन के लिए यू हैव टू गो समवेयर यू नो आउट ऑफ कोटा, बिकॉज उसमें इशू ये कि ऑल्दो अभी हमारे पास एक आध यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छी, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड कुछ नहीं था, सो भी हमें अपना सूबा, घर और होम टाउन जो है उसको छोड़ना पड़ता है फॉर हायर एजुकेशन टू गो। लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं, अब तो बहुत बेहतर है, खासे मतलब मजीद बेहतरी की बहुत ज्यादा गुंजाइश है और बेहतर होना चाहिए। एग्जैक्टली वो होता ना, घर से दूर ये वो, तो फिर यू नो बस फिर यूज टू आप हो जाते हैं। लेकिन ये था कि हमारे टाइम पे करियर काउंसलिंग एक इशू था ना, कि हमें ये भी नहीं पता था कि आफ्टर ओ एंड ए लेवल्स हम जो हैं वो क्या करेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री में हम एनरोल होंगे, यू नो व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव, मतलब उसके ज़हन में कुछ भी नहीं था। नहीं, वरना ऐसे होता है ना कि हम स्कूल गोइंग होते हैं जब, तो हमें जो उसी वक्त पूछना शुरू कर दिया जाता है, हमारे ज़हन में ये डालना शुरू कर दिया जाता है तुमने बड़े होकर ये करना है। हाँ, है ना, उसमें ये था ना हमारे यहाँ, क्योंकि हम ट्राइबल बैकग्राउंड के थे, तो हमारे यहाँ तो सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर का ही जो था वो कॉन्सेप्ट था। हाँ, अभी तक है, तो उसमें ये दो चीज़ों में मैंने जाना नहीं था। तो शुरू शुरू में आर्ट्स का बड़ा शौक था, ओ लेवल्स में आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट्स लिए, लेकिन पेरेंट्स कहते थे ये क्या जाना है, आगे क्या बनोगे, ये है वो, तो इस तरह फिर वो रेजिस्टेंस आती थी फैमिली की वजह से। खैर जूं तू करके निकले, तो फिर यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी फैमिली के, आप वाहिद बच्चे थे जो निकले हैं, फिर आपके साथ और कजन, मैं अपनी फैमिली का वाहिद एज इन फैमिली जो मेरी इमीडिएट फैमिली है ना, उसमें मैं वाहिद था, क्योंकि मैं सबसे छोटा भी था और जिद कर करके ला के मैं निकल आया लो क्वेटा से। बाकी ये कि एक्सटेंडेड जो फैमिली है उसमें तो अब हैं लोग हैं, अब बहुत सारे हैं जो निकले हुए हैं। अब तो ट्रेंड ही चेंज हो गया ना, अब तो बच्चे जो है वो उनको जब स्कूल में लेके जाते हैं तो अभी से घर आते हैं जब, तो वो बताना शुरू कर देते हैं कि नहीं मम्मा हमने ये बनना है, हमने बड़े होके, है ना। अब तो मीडिया का दौर है, आप देखें ये जितने भी गैजेट्स हैं, ये आईफोन, आईपैड, हर एक वक्त हमारे पास नहीं था, नहीं उस जमाने में नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बड़ा इंसिस्ट कर करके जब मैं यूनिवर्सिटी में गई और मैं जब बीबीए में एडमिशन मेरा हुआ, तो मैंने मेरे बड़े बड़े भाई मेरे लिए बाहर से लेके आए थे सेलफोन, तो मैं जब कॉलेज लेके गई यूनिवर्सिटी में, तो वो पूरा हमने बाकायदा उसकी एक ट्रीट, उतने का मोबाइल नहीं होगा जितने की मैं ट्रीट दे रही हूँ, है ना। ऐसे ही होता था बस वो, लेकिन मैं अभी भी सोचता हूँ कि वो एक गोल्डन टाइम पीरियड था। अब देखें कि हम वो जो पीटीवी के कार्टून्स आते थे सुबह देखने के लिए, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, वो जो एक जमाने में ना पतंगबाजी होती थी बड़ी, उसका शौक होना, बाहर जाना, अब वो चीजें सारी चेंज हो गई। और जब आपको होम टाउन छोड़ना पड़ता था तो आपको फिर तकलीफ होती थी, तकलीफ होती, फिर विद टाइम फिर आदत हो गई। अब ये है कि साल में एक बार या दो बार आना जाना होता है पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो जब आप निकले घर से, तब आपके जहन में एक मकसद उस वक्त पैदा हुआ होगा ना कि आपने वाकई कुछ करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस वक्त बताता हूँ कि मेरे उस वक्त मैंने सिर्फ भागना था,
وہ نہیں فیل ہوتا کہ میں نے جیتا جانا ہے اس وقت یہ کہ بھائی بھاگنا ہے اور اپنی مرضی سے کچھ کرنا ہے. میں بیسیکلی گھر سے نکلا تھا ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے. ہاں گھر والوں کو یہ کہا چارٹرڈ اکاؤنٹ, بس میں نے کہا کسی طرح کسی بہانے نکل جاؤں. تو فوکس یہ ہوتا کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے نکلے اور جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی تھی وہ بیچ میں رہ گئی. جب ادھر پہنچے بیچ میں ایسے رہی کہ پتہ نہیں کہاں سے کیسے اور کیوں جو رجحان تھا وہ جو سوشل ورک کی جانب چل پڑا. سو آئی لیفٹ مائی اے سی سی ان دا مڈل اور دین آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ان سم آف این جی اوز ایز والنٹیئر. ہو یہ اور وہ میرا ایک گورا دوست بنا جس کو ہم دیسی زبان میں گورا کہتے ہیں. پھر وہ فیڈ بیک نہیں آیا اپنے جہاں جو وہ تھی ریزسٹنس کی جانب سے اسپیشلی وہ اس وقت ان کو دو سال تو میں نے یہ پتہ بھی نہیں لگنے دیا کہ میں نے چھوڑ دیا میں کیا کر کے آ رہا ہوں. جب بھی پوچھتے تھے کہ اب سنیں گے پتہ ہی ہے سارا کچھ بتا ہی دیا. تو اس وقت یہ تھا کہ جی پڑھ رہے ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے. آہستہ آہستہ تھوڑا بہت پڑھتے بھی تھے لیکن انٹرسٹ وتھ ٹائم لوز کر گئے ہوئے تھے کمپلیٹلی. ٹائم کیم کہ آئی لیفٹ اٹ. پھر آئی کنیکٹ ہوا وتھ فرینڈز اینڈ ادر کولیگس. سو آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ان دا فیلڈ. یہ وہ کبھی سوات پہنچے ہوئے ہیں کبھی انٹیریئر سندھ پہنچے ہوئے ہیں. سو آئی بین ٹریولنگ آل اوور پاکستان مطلب فلڈز میں بی ورکنگ 2010-11. تو سارا کچھ جو تھا وہ اے سی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی لیفٹ ان دا مڈل. تو پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ سوچنے لگے کہ یار جو کوالیفیکیشن ہے ایز این یونیورسٹی کی وہ نہیں ہے. تو اس طرف آہستہ آہستہ سوچنے لگے اینڈ دین اسٹارٹڈ ان رولنگ اینڈ سو آئی ڈیڈ مائی بیچلرز ان سوشیولوجی بینگ اے میجر اور اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ آئی چوز مائی پہلے کام کیا اینڈ دین آئی کیم اٹ. ٹائم دیا نا پھر اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں کہ دس از مائی فیلڈ. تو پھر الحمد للہ یو نو فار انسٹنس وین آئی اسٹارٹڈ دس ورک پھر آئی وینٹ ٹو فار ہائر ایجوکیشن وہ ساتھ ساتھ کیا. بیسڈ آن دیٹ آئی گاٹ اے کامن ویلتھ اسکالرشپ فار اے ڈگری وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اس کا ٹائٹل ہی ہے ایم ایس سی پاورٹی ریڈکشن فرام اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز یونیورسٹی آف لنڈن. سو کامن ویلتھ گیو می اے اسکالرشپ بیسڈ آن دوز ورک ایکسپیرینسز آئی ہیڈ ان دا فیلڈ. تو اسی طرف چل پڑا. تو اب میرا ٹوٹل فوکس ایکسپیرینس جو ہائر ایجوکیشن کا ڈگریز ہیں آل ریلیونٹ ٹو دیٹ فیلڈ. تو جو اکاؤنٹنسی اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے بیچ میں پہلے کیا اور پھر اس کی طرف آیا. بڑی اچھی بات ہے یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ. تو میرے لیے وہ جب میں کلاس میں بیٹھتا تھا تو میرے لیے ایسی چیز ہوتی ہے جیسے کہ آلریڈی میں نے کیا ہوا. مجھے ایسا اپنا آپ بوڑھا بوڑھا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کون سے بچوں میں بیٹھا ہوں کیونکہ ایکسپیرینس کیا ہوتا تھا. تو اس وجہ سے وہ جو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ٹیچرز کو جو پروفیسرز ہوتے تھے ان کو چھیڑتے تھے. آپ نے یگسٹرز کے لیے اتنا سارا کام کیا آپ نے بتایا اور ابھی مزید بھی اس بارے میں بات کریں گے. لیکن پھر آپ کے گھر والوں کو لگا ہوگا کہ نہیں ہمارا بچہ جو ہے نا یہ بنا اس کام کے لیے. تو پھر تو بڑا اچھا فیڈ بیک ملا ہوگا. اپریشیٹ تو کیا. 2012 واز دا ٹائم وین دا فرسٹ ٹائم مائی فادر ریئلائزڈ کہ نہیں اس نے کچھ کر لیا. کیوں وین ہی سو می آن دی ٹی وی سکرینز ادھر ادھر میڈیا شیڈے میں نے کہا کہ جی نہیں لگتا ہے بچہ ٹھیک جا رہا ہے. اچھا کیوں آپ کو ٹھیک ہے آپ نے کیا اور اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں لیکن آپ کو کیا یہ فیل اندر سے آتا تھا کہ نہیں میرا فیس ایسا ہے میں فوٹوجینک ہوں میرے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ نا ایک ہوتا ہے نا انسان کے اندر کہ آپ کا انر جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو. تھا نہیں فیس سے کیا مطلب مینس کہ آپ اتنے اٹریکٹیو ہیں یا آپ فوٹوجینک ہیں یا ایک فیس ہوتا ہے اپنا کہ آپ ٹی وی پہ آنا چاہیے آپ کو. آپ کو نہیں ٹی وی پہ نہیں ایز ان ٹی وی پہ کہ آپ کو کوئی ایسا کام ریلیونٹ کام کرنا چاہیے جو کہ آپ کو منوا سکے. ٹی وی کا ٹو بی ویری آنیسٹ ٹی وی کا آئیڈیا نہیں تھا کہ وی ول بی آن ٹی وی. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا نا کہ وہ کوشش کی تھی کوئی ایک آدھ شوٹ کی نا تو اس میں نا وہ اس پہ اس کے لیے آپ کو نا بڑی اسٹرانگ نروس کی ضرورت ہوتی ہے. سو اٹ واز جسٹ 40 یا 60 سیکنڈس کا ایڈ اور اس میں 11 گھنٹے لگ گئے شوٹ کرتے کرتے نا. تو اس دن میں توبہ کر لی میں کہ یہ کام میرے بس کے لیے بھائی یہ نہیں کرنا کیونکہ 11 گھنٹے یہ اٹھو سو اب ہوتی بھی نہیں تھی ایکٹنگ وغیرہ سارا کچھ نہ فیس ایکسپریشنز آتے تھے سارے. تو بٹ اینی ویز وہ یہ تھا کہ کام سے ریلیونٹ جو ہوتا تھا فار انسٹنس کہ فلڈس میں کام کیا یہ کیا وہ کیا. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ مثال ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. تو کام کو آپ کو شو کیس کرنا پڑتا ہے کہ جی ٹو گیٹ مور سپورٹ. تو اس وجہ سے پھر یو نو آرٹیکلز اور جو میڈیا پروجیکشن تھی وی وڈ گیٹ اٹ انوانٹیڈلی مل جاتی تھی. تو پھر اس وجہ سے سارا کچھ چلا. سو اینڈ دین ورکنگ کلوزلی ود ینگ پیپل کانفرنسز ریپرزینٹنگ پاکستان ابروڈ. تو وہ جو تھی وہ پھر اس سے آہستہ آہستہ ریکگنیشن آئی اور ریکگنیشن ملتی ہے سو اٹ بیکمز اے موٹیویشن
so you can use it positively. So I've been. तब आपको लगता है कि आप वाकई आप अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, तो हाँ, जब लोग सराहें आपको खुशी होती है, आप कहते हो कि इसे मज़ीद अच्छा करो. तो इस वक्त यंगस्टर्स के लिए आप बताएं, जितने भी हमारे यंगस्टर्स देख रहे हैं उनके लिए आप किस तरह से काम करें, क्या क्या कितना हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए, वो किस तरह से आपको अप्रोच कर सकते हैं? उसमें ये कि अ बिट ऑफ अ बैकग्राउंड कि क्या है और कैसे किया और अब क्या कर रहे हैं. तो मेरा फोकस ये था हमेशा से, क्योंकि जिस प्रोविंस में हूँ उसमें फाइनेंशियली नॉट एवरीबडी इज़ स्टेबल ना, तो उसमें लोग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, यंग लोग, चाहे वो तालीम की हों, चाहे वो बाहर का एक्सपोजर हो, वो सबको ख्वाहिश होती है कि जी आई हैव अ फॉरेन डिग्री इन हैंड या मैं बाहर जा सकूँ. तो जाहिर सी बात है हमारे भी दोस्त वगैरह ये थे शुरू में, हम भी ऐसी थे, तो वो मौके नहीं मिलते कि आप अपने मुल्क से बाहर जाएँ कहीं. फॉर इंस्टेंस जो यूथ को होता है कि या एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे डिफरेंट करें, हाँ डिफरेंट करें, एक्चुअली जाएं लोगों से मिलें. वो एक शाउर कहेंगे ना, वो नहीं है, वो दिया ही नहीं जाता लोगों को ना, वो सिखाया नहीं जाता, जहन में नहीं डाला जाता कि आप उस बारे में भी कुछ सोचें. और जिन लोगों के जहन में ये कुदरती तौर पे पैदा होता है उनके लिए करने के लिए कुछ नहीं होता. मतलब अगर आपको शौक है तो मौके नहीं है, अगर मौके मिलते हैं तो फिर गाइड करने वाला नहीं है, वो इश्यूज है. अब तो आजकल शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सब लुकिंग एट यंग पीपल जो मेरे बाद थे अब हैं वो कर रहे हैं. तो खैर कोशिश मेरी ये थी कि अब सो आई हैड टू गो टू इंडिया फॉर अ कॉन्फ्रेंस. सो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में ये होता है कि जो ऑन ग्राउंड आपका एक्सपेंस होता है इट इज़ कवर्ड बट यू हैव टू हैव योर फ्लाइट ना, तो फिर वो स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है वो ना, तो वो होता. दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेरे जैसे बहुत सारे यंग लोग होंगे जो जाना चाहेंगे लेकिन नहीं होंगे. तो वट आई डिड वॉज इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर आई ब्रॉट द कॉन्फ्रेंस टू पाकिस्तान इन 2012. आई ब्रॉट ऑल दोज यंग 120 यंग पीपल फ्रॉम ऑल द 8 सार्क कंट्रीज टू पाकिस्तान. मैं कहा कि जी हम अगर नहीं जा सकते तो उनको इधर लेके आते हैं. तो वी दिस वॉज द स्टार्ट एंड द स्टार्ट वॉज बिग. उसमें उस वक्त में लोग ये कहते थे कि याद नहीं होगा, पता नहीं कहाँ से बलूचिस्तान से उठ के आया हुआ है और फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में बैठा है और पता नहीं क्या करने जा रहा है. तो लोग भी हैरान थे शुरू में. आपने किया और ये कर दिया. और ये सब करने के लिए नसीम आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नसीम खान मेरे साथ हैं जी, और यंगस्टर्स के लिए स्पेशली आज के लिए प्रोग्राम है जो कि कुछ लर्न करना चाहते हैं अपने करियर के बारे में या मजीद ये किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं. नसीम हमारे लिए मेरे साथ हैं, मजीद भी इनसे बातें करनी है. एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. नसीम खान अचक से मेरे साथ मौजूद हैं. नसीम से बातें हो रही थी और नसीम कह रहे थे कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि इनको स्पॉन्सर मिल गया, सब कुछ ओके हो गया, बट ये इंडिया नहीं जा सके थे किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में. और उस वक्त आपके जहन में आया कि अगर मैं नहीं जा सका तो मैं वहाँ से लोगों को इधर बुला लेता हूँ. बड़ा ही अच्छा ख्याल. हाँ, ये तो वो उसमें ये हुआ कि गॉड गिफ्टेड होता है ना कि आप अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें होती हैं कि आपके पास ऑप्शन हों. और यूँ फिर उससे फिर एक तो होता ना कि मैं गया होता तो मैं एक डेलीगेट होता इस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह बाकी भी लोग आए थे. वो उससे कहीं और ज्यादा बड़ा हुआ कि जब सब आए तो हम कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहे थे. हाँ। उसमें तो उसमें ज्यादा अच्छा एक ज्यादा अच्छा कि जी होम ग्राउंड पे आया. और 2012 में पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के मसले थे वो भी थोड़े से ज़्यादा थे, जो टेरर अटैक्स वगैरह, तो लोगों का यंग लोगों का आना जो था वो भी एक था, एक सवाल था कि आएंगे कि नहीं आएंगे. लेकिन वो आए और उस वक्त ऑल्दो इस्लामाबाद में था लेकिन वो सब इस सोच के साथ गए कि यार जो अच्छा, हम देखते हैं. कितने लोग बुलाए आपने फिर? 110 जो थे वो बाहर के थे, 10 पाकिस्तानी थे. 110 लोगों को आपने बुलाया, तो मैनेज किस तरह से किया? क्योंकि वो तो आपका स्टार्ट था ना. वो स्टार्ट था ना? तो मैं कह रहा हूं कि स्टार्ट जो था वो बहुत ज्यादा ह्यूज हो गया, तो हमें खुद से आखिरकार ना संभाल. ऑल्दो गलतियां थी क्योंकि इट वाज आवर फर्स्ट टाइम, पहले ही बार में फिर भी मैनेज करना और वो भी इंडिया से लोग बुलाना. इंडिया से 31 लोग आए थे, हमारे तो ताल्लुकात हैं. हां ताल्लुकात नहीं थे लेकिन वो इधर से बड़े खुश और राजी गए. जो नहीं पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन थे कि जी ऐसा है और वैसा है, वो सब कुछ भी नहीं था. जो वापस गए तो मैंने जी हुआ कि जी हमने जब उससे पहले आफ्टर जो कॉन्फ्रेंस मेरी मिस हुई उसके बाद आई वेंट टू रियो ब्राज़ील फॉर द 6th वर्ल्ड यूथ कांग्रेस टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान. उधर जो उधर की होस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी ना जो इंडिया में कॉन्फ्रेंस करवा रही थी वो भी उधर आए हुए थे. अच्छा। तो जो वर्ल्ड यूथ कांग्रेस का डायरेक्टर था वो और रीजनल एक मीटिंग चल रही थी उसमें वो आए तो गुफ्तगु हुई कि जी ये कॉन्फ्रेंस ही हो इस तरह का हो रहा है. तो हमने दिस वॉज जून 2012 तो उधर मैंने उनसे मैंडेट लिया. मैंने कहा आई विल होस्ट इट इन नवंबर इन 2012. 3 महीने के अंदर वी पुट द कॉन्फ्रेंस टुगेदर. और इफ यू लुक एट इट अब आप सर्च भी करें आप अगर गूगल पे यू विल स्टिल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट देयर. और
तो 3 माह के अंदर हम उसको इधर ले आए और वी मेड अप अ टीम जो बाजारी से बातें दोस्त थे लाइक माइंडेड हम बैठे मैंने कहा यार ये चीज़ लेके आया हूँ बताओ क्या करना है काम या नहीं करना तो एक टीम बनाई और वी स्टार्टेड विदाउट थिंकिंग कि यार स्पॉन्सर्स क्या सहेंगे पैसे कहाँ से आएंगे फलां कहाँ से आएंगे और सपोर्ट स्टार्टेड कमिंग इन जैसे जैसे आइडिया मैच्योर होता गया शुरू में कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे यार जाओ यार एक हफ्ते की कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है क्या कैसे ठहरेंगे कौन ले जाएगा ये है वो है सारा कुछ तो Finally, when we managed, और जब वो हो गई, तो फिर ये पूछते थे अगली कब करानी है। हाँ, मतलब इतना अच्छा हो रहा आपका एक्सपीरियंस। तो कुछ आपके आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया आपने बताया फैमिली में सबसे छोटे थे आप फिर घर वालों को जो फीडबैक था आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट किया गया होगा आप इतना सक्सेसफुल होने के बाद और इस फील्ड में अपना नाम बनाने के बाद आप घर वालों ने कहा आप शादी भी कर लो या खुद ही अपनी किसी फील्ड में पाकिस्तान में ही होता ना कि जब ऐसे आप थोड़े स्टेबल होने लगते हैं शादी की फरमाइश शुरू हो जाती है फ्रेश राइस किया जाता है आपको पीछे से मेरी शादी कर लें क्योंकि द एंड जो है वो शादी से करवा देते हैं ना तो लेकिन आई हैड टू रेजिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम क्योंकि मैं उस वक्त ये था कि वो जैसे आज़ाद पंछी नहीं होता कि जी कभी इधर कभी उधर वो ना उस वक्त बिल्कुल भी पाबंद होने के ना उसको नहीं था मूड में ही था लेकिन वो फिर आपने इसको आप में ये मुहावरा फिट नहीं होता ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत था नहीं औरत तो है लेकिन कामयाबी औरत तो है कामयाबी के मेरे पीछे क्योंकि आई मेट अ ब्यूटीफुल यंग लेडी इन 2000 नवंबर इट वाज दिसंबर आई गेस दिसंबर ऑफ 2012 माशाल्लाह अच्छी सक्सेसफुल हाँ बेहतरीन शुक्र है सब तो फिर घर वालों ने उस पे भी कहा कि चलो ये भी अच्छा किया घर फिर उस पे भी बड़े खुश हो गए ना बाद में जब नहीं शुरू में पाकिस्तानी रिलक्टेंस शो करते हैं हर चीज के बाद नहीं हो सकता कैसे होगा जब हो जाता है When they see it happening, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक सही हो जाती है थोड़ा बहुत कि कहाँ अच्छा, ये नवम्बर 6 से 12 6 to 12 November we are hosting the first ever international youth summit जिसमें हमारे पास यंग लोग आ रहे हैं पूरी दुनिया से जो फ्रांस से भी हैं साउथ अफ्रीका से भी हैं ऑस्ट्रेलिया से भी यूएस से भी यूके से भी सेंट्रल एशियन स्टेट से भी हैं साउथ एशिया से भी ये एक और बड़ा जम था हमारा और शुक्र है फिलहाल ठीक जा रहा है तो इसमें व्हाट वी हैव डन इज हम ये क्योंकि पॉजिटिव इमेज ऑफ द कंट्री किसी ना किसी तरह प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे बहुत जरूरी है जो हमारे अचीवर्स हैं जो टेररिज्म और शहीद हुए वो और हमारे यंग अचीवर्स तो उसमें ये कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग अवार्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जिसमें वी हैव आरफा करीम अवार्ड एज वेल किसी को देंगे वी हैव एतजाज शहीद अवार्ड एन अवार्ड फॉर करेज फिर वी हैव द सलमान तासीर शहीद देन वी हैव अ मार्टर्स अवार्ड आइडिया है और बड़ा एक अच्छा ये तरीका है जरिया है किसी को अप्रिशिएट करने का और वो लोग स्पेशली जिन्होंने कुर्बानी दी है और जो हमारे साथ नहीं आज उनको याद रखने का और उनको खिराज तहसीन पेश करने का एक बड़ा अच्छा एक आइडिया और मैं तो इसको डेफिनेटली ताकि लोगों को पता चले कि हमारी कुर्बानियां हैं दिन पाकिस्तान का इतना बड़ा रोल है वर्ल्ड पीस में हमारा इतना बड़ा यूएन पीस कीपिंग मिशन और उनके साहबजादे सलमान तासीर शहीद के साहबजादे शहरयार जो हैं वो भी आपके साथ हां भाई ही इज हेल्पिंग अस आउट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स तो इसके लिए काम किया जा रहा है बड़ी अच्छा एक हाँ मतलब ये हमारी मेरी कोई जागीर तो नहीं है ना इट बिलोंग्स टू ऑल द यंग पीपल जो इसमें अपना शामिल होना चाहता है तो वो हो क्योंकि मैंने और कितने साल यंग रह लेना है उसके बाद किसी और ने इस चीज को उठाना है दे हैव टू टेक इट फर्दर तो बस वो कोशिश है हर बंदा कर रहा है एंड इट इज ऑल अ वॉलंटियर एफर्ट देयर इज नथिंग बिहाइंड कि हमारे पीछे कोई इतना बड़ा कोई डोनर खड़ा हुआ है और ये अच्छा नसीम आप आउट ऑफ कंट्रीज पे जाते हैं जब आप यंगस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं यहाँ वहाँ पे तो आपको अप्रिशिएट किया जाता है पाकिस्तान में रहते हुए चूंकि आप बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है बाकी शहरों में यहाँ के जो हमारे बाकी लोग हैं उनकी जानिब से क्या फीडबैक मिलता है आपको अच्छा कभी किसी किस्म की कोई इस सारे सिलसिले में कोई प्रॉब्लम कोई रुकावट सामने आई हो रिस्ट्रिक्शंस किसी किस्म की नहीं अब तो नहीं जैसे जिस जमाने में स्टूडेंट था मैं उस जमाने में ना लोग पाकिस्तानियों को एक दूसरे का ज़्यादा पता नहीं था डिस्कनेक्ट बहुत था प्रोविंसेस के बीच में लोगों के बीच में तो लोगों को पता नहीं चलता था कि आप कहाँ से हैं आप अगर आप उनको बोलें कोयटा तो वो समझते थे कि कोहाट आप उनको कोई और जगह का नाम लें तो वो कोई और प्रोविंस समझते थे लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग देखते हैं पसंद करते हैं कि जी यंग पर्सन फ्राम वन ऑफ द प्रोविंसेस फ्रॉम पाकिस्तान अगर इधर काम कर रहे तो दे हेल्प यू आउट तो मुझे ऐसा ऐसा ठीक है
अपना काम जारी, कुछ लोग ऐसे होते हैं वैसे ही जिनको। अच्छा जी, जो आपके आपने अभी हम बात कर रहे थे अवार्ड दिए जा रहे हैं, सलमान तासीर शहीद साहब का भी हम जिक्र करेंगे, उनके लिए जो अवार्ड जो है वो अभी उनको दिया जा रहा है, मैं तो डेफिनेटली इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रही हूँ। ये अवार्ड जो है किस सिस्टम में दिया जा रहा है, कि इसका मतलब क्या? सो इट्स बेसिकली इंटरफेथ हार्मनी वन, कि जो ये लोग आ रहे हैं कि वो उनको, ये जो यंग लोग हैं जो दिया जाएगा, जिस यंग एक्टिविस्ट को इंटरनेशनल को, उसको ये पता हो कि जो हमारे लोग हैं बेसिकली, कि वो हम जो है वो वी आर अ पीस लविंग नेशन, हमारे जो लोग हैं उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, ना हम लोग किसी को मारते हैं ना इस तरह है, और दो देर आर इल्स इन द सोसाइटी, ऐसा होता है, लेकिन जनरल तो नहीं है, ना? तो ही वाज अ ब्रेव पर्सन, कहीं जरूरी नहीं पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर भी हो, आप देख लें क्या हालात हैं। आप वेगस देखें, ये पिछला जस्ट अ वीक और सो गो इतना 50 बंदे जो है वो मारे गए, तो इंसिडेंसेस तो होती हैं, हर जगह होती हैं। हमारी इमेज जो है वो इस तरह पोर्ट्रे की जाती है कि आप इधर लैंड करें, द मोमेंट यू लैंड ऑन आइदर लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो आप बाहर निकलेंगे तो बाहर पता नहीं दहशतगर्द खड़े होंगे, सब लड़ रहे होंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो उस अवार्ड का मकसद यही है कि वी वांट द वर्ल्ड टू नो, जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाई थी, हमारे आवाज उठाई थी एक हक के लिए, और जो थी वो उनका एक करेज था कि वो चाहते थे कि हर बंदे को, चाहे हमारी माइनॉरिटीज हों पाकिस्तान में या जो, उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। सो सिंपल एज दैट, तो इसी बेस पे आप उनके लिए अभी अवार्ड आपकी इंटरफेथ में, सो इट विल बी एन इंटरफेथ काइंड ऑफ अ जेस्चर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड अ पर्सन हु was all about interfaith and he wanted, he was all about equal rights, human rights. जो शख्सियत है उनके नाम से एक अवार्ड। उन्होंने ना सिर्फ आवाज़ उठाई थी नसीम, बल्कि उन्होंने जब वो गवर्नर पंजाब थे, तो चूंकि हम पंजाब से बिलोंग करते लाहौर से, यकीन करें बड़ा अच्छा था, आप पंजाब में जो कुछ भी हो रहा था, जो गवर्नेंस थी उसका, उसके हालात अगर हम उसको याद करें, या लाहौर की अगर हम खूबसूरती की बात करें, इवेंट्स की बात करें, बड़े वो ना अच्छे सोशल, मतलब हाँ बड़े उस तरह के एक्टिव थे, और कि कुछ हो वाकई, जहाँ भी काम किया उन्होंने बड़ा अच्छा और बड़ा सही काम किया, इसको किसी भी तरह से हम इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, और अवार्ड देना तो बड़ा अच्छा एक जरिया है कि किस तरह से हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि जी कि हम सराहें उनको, उनके काम को, और बाकी लोगों को पता चले कि हमारे इस तरह के हीरोज रहे हैं, ये हैं, तो वो इसका बेसिकली इसका इज द मोटो। और जैसे वो हमारा बच्चा था जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, एहतजाज है ना, एहतजाज की अरफा का आपने नाम लिया, अरफा का एहतजाज की आप करेज और ब्रेवरी देखें कि अपने स्कूल मेट्स जितने बच्चे थे, अच्छी बात है कि आपने मतलब याद, मतलब दुनिया को पता होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो कितने करेजस और फाइटर किस्म के हैं, कि दे डोंट इवन केयर के दहशतगर्द कौन है या तो कैसे। ये जो अभी अवार्ड तकरीब होने जा रही है, इसमें आप कहां कहां से आ रहे हैं लोग, कौन कौन से लोग आ रहे हैं इसमें? हमारी समिट में सो यंग लोग आ रहे हैं, सो वी हैव यंग डेलीगेट्स कमिंग फ्रॉम रशिया, फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम इटली, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूके, फ्रॉम अजरबैजान, फ्रॉम नेपाल, मालदीव्स, भूटान, और बहुत सारे ममालिक में से, वो पहली बार, और काफ़ी खुश भी हैं सारे। कुछ लोग ऐसे पूछ लेते हैं बैक डोर से कि हालात ठीक हैं कि नहीं है, तो लोगों कंसर्न तो होती हैं, जब आए तो फिर पता चलता है कि कुछ भी नहीं है। मतलब लाहौर में आप देखें नॉर्मली हम घूम रहे हैं, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो ड्रेस कोड का बहुत पूछते हैं कि जी पता नहीं क्या लेना पड़ेगा, ऐसा ना, उनको बुरको वाली तस्वीरें उन्होंने देखी हुई, और जो मूवीज़ में हमारा हमारे शहर दिखाए जाते हैं उसमें गांव, मतलब अगर इस्लामाबाद दिखाए जाए तो गांव दिखाते हैं, ऐसा लगता है जैसे इस्लामाबाद ने कोई गांव दिखा रहे हो, तो वो इस तरह कंसर्न होते हैं, लेकिन वी एड्रेस इट टाइम टू टाइम, तो वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अभी आप बलोचिस्तान जाते हैं अपने कबाइली इलाके में, वहाँ से क्या फीडबैक मिलता है, लोग किस तरह से? वो मुझे वैसे कहते हैं कि पंजाबी बन के आ गए तुम लोग तो, लेकिन वो पॉजिटिवली ना मुजाकतन कहते रहते हैं कि पंजाबी आ गए, तो मैं कहता हूँ ठीक है पाकिस्तानी आ गया वापस अपने सूबे में, तो अच्छा फीडबैक अच्छा लगता है। वो तो अभी अच्छा लगता है, कोई अपने कबीले से अपने इलाके से आपने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? अब एज एन डेलीगेट कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट्स की मद में तो पीपल आर कमिंग इन, और जाहिर सी बात है फोकस मेरा है कि वो उनमें से उन लोगों को जैसे हम थे वैसे ही वो भी मौकों की मौकों की तलाश में, तो उनको मौका दिया जाए और आए उसकी इधर लोगों से मिलने, देखें जब देखेंगे एक्सपोजर होगा तो फिर दिल थिंक, और फिर उसमें वो अपनी नई अपॉर्चुनिटीज निकालेंगे और आगे जो है उसको चलाएंगे।
नसीम, यहाँ पे जो हमारे यंगस्टर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, वो किस तरह से आपको अप्रोच कर सकते हैं और उनके लिए जो प्रोजेक्ट्स आपने जो स्टार्ट किए हैं वो उनके उसमें किस तरह से आ सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं? उसमें ये कि हमारा वेबसाइट, मेरा नाम जो है वो फ्यू सर्च एट तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है. सो आजकल के टाइम में किसी को ढूंढना जो है मुश्किल काम नहीं है. फ्यू जस्ट टाइप IYSL2017 ऑन गूगल तो दे विल गेट टू मी डायरेक्टली, और ऑर्गेनाइजेशन का भी पता चल जाएगा और काम का भी पता चल जाएगा. सो डिजिटल लॉर है, फाइंडिंग अ पर्सन इज नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर. सही. आउट ऑफ कंट्री आप जाते हैं तो वहाँ पे बीइंग अ पाकिस्तानी और बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है, जिस कबायली इलाके से, तो किस तरह का फीडबैक सामने आता है वहाँ पे भी? लोग इस तरह से देखते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ चले अब तो ये तासुर बड़ा कम हो गया और बड़ा एक अच्छा जेस्चर है. पहले जो एक जेस्चर था कि बलूचिस्तान से ताल्लुक है, हम पंजाब से हमारा ताल्लुक है, उसका सिंध से ताल्लुक है, हम हैं तो पाकिस्तानी हैं. बदकिस्मती से ये भी एक होता था जी, वो सिंधी हैं, पठान हैं, बलोच हैं. बड़ा अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगे ना. पहले बड़े हम आपस में मिलने जुलने से बड़ा रेजिस्ट करते थे, हाँ. शिरकत रहते थे जी, वो पता नहीं कौन से सूबे का ये और वो, तो वो हमने ना वो स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए जैसे भी दुनिया ने हमारे लिए बनाए हुए और हमें अच्छे नहीं लगते, हाँ. कि ये क्यों एक पाकिस्तानियों को ऐसी नजर से देखते हैं. तो हम एक दूसरे को, एक जमाने में एक दूसरे को भी इस तरह नहीं देखते थे कि जी वो पठान है और बलोच है और पता नहीं क्या है और ये और वो है, पंजाबी है जी, हाँ. तो अब वो शुक्र है सेटल डाउन होने लग गया मामला. अच्छा, बाहर की कंट्रीज में क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से क्या फीडबैक मिलता है? मेरे साथ नसीम पानाचक सही मौजूद है, इनसे मजीद भी बात करेंगे. एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं आप हमारे साथ. वेलकम बैक नाज़रीन, नसीम खानाचक सही हैं मेरे साथ और उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं यंगस्टर्स के बारे में ही फिर मैं बात करूं, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम है यंगस्टर्स के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है. जैसे सलमान तासीर साहब हैं शहीद, उनको जो अवार्ड दिया जा रहा है और आप बड़ा अच्छा एक जेस्चर है ये. यंगस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से पैदा हो सकती हैं इस बारे में भी कुछ बताएं. मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा जानें, उनका भला हो. एक तो ये कि विल जो है वो उसका होना बड़ा लाजमी है, पैशनेट होना, उसके बगैर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती. अगर आप ये हो कि जी मैंने डिग्री ले ली है, जब वहाँ के जितने मर्जी आप पैदा कर ले, अगर आपके अंदर ही नहीं है कोई चीज कि आपने कुछ करना है, तो अगर आपने जहन में यही बनाना है कि डिग्री करके मैंने सिफारिश करके नौकरी लेनी है, तो वो सोच तो पहले खत्म होनी चाहिए ना, क्योंकि मैंने नहीं नौकरी ना लूंगा. जब आप उसमें हमारे इदारों का बड़ा बहुत बड़ा हाथ आ जाता है ना, हमारी वो तालीम का जो मैार है वो अभी भी वही है, वो भारी भरकम बस्ता. नर्सरी के बच्चे होते हैं, उनके यकीन करें इतनी सारी बुक्स होती हैं कि स्टार्ट में बस हमने बुक्स ही पढ़ानी है, हाँ, उनको और बाकी कुछ नहीं सिखाते कि सोसाइटी में लेफ्ट राइट आप देखें तो क्या होगा, हाँ, कैसे होगा. तो बच्चों को तो फिर वही होगा ना कि वो, और यकीन करिए छोटी छोटी वो ABC अगर बच्चे लिख रहे हैं, ज्वाइंट लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें वो छोटी छोटी गलतियां निकाल के उनके नंबर्स काट लिए जाते हैं. फिर बच्चे घर में आके पूछते हैं कि हमारी पोजीशन क्यों नहीं आई, हमारे मार्क्स क्यों कम आए. तो पोजीशंस की दौड़ में लगे हुए हैं सारे, हाँ, और पोजीशंस की दौर में ये सिस्टम भी चेंज करना पड़ेगा ना. अब आप जो आप ग्रेजुएट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो बाहर निकलते हैं जॉब मार्केट में, फिर वो उन्होंने सिर्फ किताबें ही पढ़ी होती हैं और तो कुछ नहीं पढ़ा, उनके पास कोई होता नहीं है एक्सपीरियंस, फिर मौके कैसे पैदा होंगे. दूसरा ये कि गवर्नमेंट की साइड को उनको सोचना है, तालीमी इदारों को सोचना है, और जो यंग लोग हैं उनको खुद भी सोचना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो इम्प्लीमेंटेबल भी है कि नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम आगे जाके कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे उसकी उस डिग्री का जो हमारे पास है. लोग ग्रेजुएट्स फिर रहे हैं बगैर नौकरियों के, कभी इधर कभी उधर, इस दफ्तर उस दफ्तर. तो मास्टर्स ऐसे भी हैं कि कुछ PhD वाले बेचारे जो हैं अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, और उसकी यही रीजन है. तो गवर्नमेंट की जानिब से क्या आप कुछ किया जा रहा है? अब तो इनिशिएटिव्स ले रही है सारी गवर्नमेंट. पहले जब आपने स्टार्ट किया था तब आप अकेले थे, हम मेरे जैसे और भी बहुत सारे बेचारे जो थे वो अकेले होते थे, लेकिन अब स्क्रीन पे आने लगे ना. आप देखें कि सोशल मीडिया का दौर है ना, हाँ। अगर आपका कोई काम फंसी है, आपका कोई मसला, आप सब जो हैं वो आपकी रीच में हैं, आप करें और लोग पहुंच जाते हैं. हमने सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा यूज किया कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बाकी जो लोग हैं उन तक पहुँचना, उनकी रसाई कनेक्ट करना उनसे, इसी तरह उसको हमने यूज किया और पहुंचे. तो वो दूसरा ये कि अब गवर्नमेंट की जानिब से क्या किया जा रहा है, किस किस्म के इकदाम, मतलब गवर्नमेंट का जो आपके इनिशिएटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट
करे और करती है तो वो एक अच्छा है क्योंकि फिर एक जॉइंट हो जाता है ना कि फाइनेंशियली भी गवर्नमेंट की जानिब से कोई फाइनेंशियली आजकल जरा मामला वीक है अगर आप इनिशिएटिव हो लेकिन कुछ केसेस में शायद कर भी देते हो बस ये कि उनकी सपोर्ट और उनकी सरपरस्ती रहे तो अच्छा है किस तरह से मैनेज करते हैं ये सारा सर्कल जो है ये किस तरह से आप इसको आगे लेके चल रहे हैं हाँ बेस्ट मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूँ कि जी जो जो ये समिट अभी हम करा रहे हैं नवंबर में अब देखें ना आपने बताया कि इतने सारे कंट्री से लोग आ रहे हैं फिर आपकी जानिब से अवार्ड्स दिए जा रहे हैं डेफिनेटली लोग उनका रहना उनका मतलब आना जाना ट्रैवलिंग ईच एंड एवरीथिंग किस तरह से अब जैसे हाँ बल्कि अच्छा आपने पूछ लिया इसमें पहली बार एक इस तरह की समिट में हम दो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो हैं वो हमारी पार्टनर हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कसूर है विच इज़ हेडेड बाय अ यंग चेयरमैन वो राणा सिकंदर एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ नारोवाल विच इज़ हेडेड बाय अनदर यंग डायनामिक पर्सन अहमद इकबाल तो वो दो हमारे पार्टनर्स हैं सो वी टेकिंग द यंग डेलीगेट्स टू फॉर वन डे टू कसूर एंड फॉर वन डे टू नारोवाल एज़ वेल सो दोज़ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर लुकिंग आफ्टर दैट कॉस्ट इधर सो वी हैव अ यूनिवर्सिटी पार्टनर द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर विच इज़ लुकिंग आफ्टर all the things happening on campus so support then we obviously have Shahryar Tahsir as a partner is looking after other things is tarah ke aur bhi bahut sare partners hain is tarah ke partners aapko aapke liye kafi universities hain jaise UMT ho gayi US ho gaya aur jitne bhi partners aapko milte hain wo they want to chip in wo chahte hain ki ji hum sab ka hai us tarah hai aur ab hamari jo team hai usme foreigners bhi hain young director so there is a Harvard graduate or koi a PhD from Portugal aur is tarah ke log ki humne ek team banayi hui jo conference ki team uske baad jo advisory hai aur patrons hai usme bhi sare young log hain to jo support help karte hain aur usko apni cheez samajh ke jo hai wo karte hain aur is wajah se idhar tak pahunchi aur inshaallah hogi aur kamyab hogi aap dekhenge acha naseem jo hamare charon soobe hain kis tarah se ye charon soobon ke youngsters mein milke aapko join kar sakte hain kaam kar sakte hain mazid isko behtar bana sakte hain unke liye koi idea koi aap hint dena chahte hain mere program mein usme ye ki ek to ye jo hain hamare panchon ab to panch soobe ho gaye gilgit baltistan ko bhi hum ginte hain तो एक तो ये कि इनको ना मोर ऑफन ये जो हमारे यंग लोग हैं ना इनको डिफरेंट प्रोविंसेस के इनको आपस में जो मिलना जुलना और कनेक्टिविटी उसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाना चाहिए ताकि एक दूसरे के मजीद जाने और एक साथ काम कर सकें कि जी पंजाब वाले जाके बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं बलूचिस्तान वाले आके हाँ। पंजाब में काम करें आप कर रहे हैं तो मैं इधर पंजाब में बैठा हुआ काम कर रहा हूँ तो इस वजह से फिर ये बाकी लोग जुड़ते हैं साथ में अब दो आगे पीछे बैक होम जो बाकी लोग देखते हैं वो भी कहते हैं कि हम भी आए तो वो हम तो हैं तो दे कैन जंप ऑन द बैंडवैगन और स्टार्ट मतलब प्लेटफॉर्म है आप आए आप काम करें स्टार्ट करें काम अगर आप करना चाहते हैं तो आपको हेल्प किया जाएगा जरूर हम तो हेल्प के लिए वैसे ही वी वांट हेल्प हो जाए उसमें कोई इशू नहीं इफ समवन वांट्स आवर हेल्प हमारी मदद की जरूरत हो हमारी फीमेल जो यंगस्टर्स हैं वो किस तरह से ज्वाइन कर सकती हैं फीमेल्स आर उनके लिए आपके प्लेटफॉर्म पे किस तरह से तो हमने उसका बड़ा ख्याल रखा हुआ है सो 50-50 रेशियो है मेल फीमेल्स बोथ का सही उसका बड़ा ख्याल रखा हुआ है कि जितनी पार्टिसिपेशन मेल्स की उतनी पार्टिसिपेशन फीमेल्स की टीम में डेलीगेट्स में लोगों में सब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है उनको कि जिस तरह से मुख्तलिफ सूबों से लड़कियां अगर आती हैं और फिर ऐसी लड़कियां जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती हैं फाइनेंशली जिनको प्रॉब्लम्स होती होंगी जिनकी स्टडीज़ में एजुकेशन में वो फिर आगे बाहर निकलती हैं काम करती हैं उनके लिए शुरू शुरू में होता है लेकिन विद टाइम जैसे हम आपके सामने मिसाल बैठे हुए व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट तो फिर लोग देखते हैं कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई आपको कोई उसके से रोकेगा तो नहीं मुझे तो नहीं लगता कि कोई उसको रोकेगा तो इसमें भी हमारे पास बलूचिस्तान से फाटा से इंटीरियर सिंध से डेलीगेट्स आ रही हैं जो ख्वातीन हैं जो लड़कियां हैं इसी समिट में तो उसमें तो उसमें कोई इशू नहीं है तो अकोमोडेट ये करते हैं कि जिनको ज़्यादा वीक फाइनेंशली कोई सपोर्ट चाहिए हो असिस्टेंस चाहिए हो तो वी डू इट और लोग हैं जो हेल्प करने को तैयार हैं और वो कर देते हैं किसी भी तरह हेल्प में अब पाकिस्तान में इंटरनली ट्रैवल करने की कितनी कोई कॉस्ट होगी एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने के लिए तो वो इट इज बेयरेबल और आप कर सकते हो कोई इशू नहीं अच्छा मतलब उसमें आप उनको इतना हाँ इतना फॉर आवर ओन पीपल दिस इज फॉर आवर ओन यंग पीपल तो फिर हमने अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के किसी एरिया में आप गए हों तो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं अपने काम को लेकर
कोई ऐसा वाक्या पेश आया हो जो कि आपके लिए हमेशा से यादगार रह गया हो, अभी भी याद आता हो एकदम से? यादगार किस सेंस में, पॉजिटिव वाला यादगार के नेगेटिव वाला? दो नहीं, मतलब होता है दो तरह के होते हैं ना, एकदम माइंड में क्लिक करता है वो कि नहीं यार वहाँ पे ये हुआ था। अच्छा, उसमें बहुत सारे वाकयात हैं फील्ड में जब गए थे। अभी आपने जिस तरह पूछा ना, कोई है मुझे लगता है बहुत सारे हैं वैसे लेकिन मैं भी सोच ये रहा था कि कौन से वाले बताऊं। बट खैरपुर गया था मैं एक यूथ कॉन्फ्रेंस पे, तो मुझे बड़ी हैरानगी थी खैरपुर में, और यूथ कॉन्फ्रेंस वो एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन थी, बिल्कुल कम्युनिटी बेस्ड उन्होंने किया था। तो वो उसमें से वो नहीं कि आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि लोग आपको पता नहीं कितना बड़ा समझ रहे होंगे ना। अच्छा। तो उनसे जब वो जो हमारा सेशन वगैरह हुआ तो उसमें बाद में ना यंग लोग लड़के लड़कियाँ, नहीं नहीं खैरपुर मीर बिल्कुल मिडिल, उनका एक हॉल है। अच्छा। उसमें वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, स्टूडेंट्स थे, तो हम जी एक यंग इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी सो कॉल्ड के बन के गए हुए थे, इनवाइट हुआ था। तो वो जब आए उन्होंने बोला कि सर जी, वो एक लड़का मेरे पास आया, वी वर ऑन अ टूर ऑफ खैरपुर, मुझे कहते हैं कि मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा जी। कहते हैं कि आप ना ऐसा ना आपको नज़र लग जाए, मुझे उसने बात की, मैं ना ऐसे हंसने लग गया। मैंने कहा क्यों नज़र लगेगी मुझे? तो उन्हीं दिल में बात रह गई। दो दिन बाद बुखार हो गया जब वापस आ रहे थे ट्रेन में फिर बाद में कहते हैं कि जी हमने यंग लोग इंस्पायर होते जैसे हम थे, तो होते वो हम दूसरे से इंस्पायर होते कि यार जब बंदा है कितना अचीवर है, ये आइडियल बन जाते हैं ना, और हम आपकी तरफ बनना चाहते हैं। मैंने कहा मैंने अभी तक जिंदगी में कुछ किया नहीं, मेरी तरफ बन के तुमने क्या करना है? कहते नहीं नहीं, हम भी स्टेज पे खड़े हैं, बोलें। तो मैंने कहा बोलें। तो वो एक था फिर फील्ड में, फ्लड्स में हम काम कर रहे थे। उसमें यह था कि सिंध में था क्योंकि गुर्बत है, सैलाब वाला वो था, उसमें दो बच्चे आए थे हमारे पास क्योंकि हमने एक कैंप लगाया था मेडिकल का। वो आए कि जी सिंधी में कह रहे थे कि पेट जा सूर है, मेरे पेट में दर्द है। अच्छा। उस बात मुझे याद थोड़ा सा बहुत रह गया। वो कह रहे थे कि जी हमें ORS दे दो पीने के लिए। तो वो डॉक्टर को मैं चेक कराने लगा, नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सिर्फ ना उसको वो हो रहा था कि ये क्या है, मैं भी पीऊँ, दूसरे को दे रहे हैं सब सारे। वो फिर एक और किस्म की फीलिंग थी उन लोगों के साथ, तो बच्चों के साथ खेलते रहते थे बड़े खुश। वो जो एक्सपीरियंसेस जो फील्ड में आप जाती हैं बहुत डिफरेंट किस्म की आपको मिलती हैं, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते मतलब हो अच्छा क्या भी आपको, अच्छे लोग भी मिलते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप पे तंकीद भी करते हैं आपको। हाँ, कुछ ये कहते हैं कि ये क्या है, क्रिटिसाइज किया जाता है, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी आपका क्या मकसद है इसके पीछे, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, कैसे साथ में लाया हुआ लड़के लड़कियों को, और आपका मकसद क्या है, इसके पीछे एजेंडा क्या है? इधर पाकिस्तान में एक ये प्रॉब्लम भी है ना कि आप कोई अच्छा काम भी कर रहे हो, पीछे लोग सोचते आपका क्या मकसद है इस पीछे। मतलब अगर चार लोग आपको हेल्प करते हैं आपकी, तो उनमें से जो दो लोग हैं वो आपकी टांगें खींचने वाले होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है। सही। तो फिर उस वक्त आप किस तरह से ओवरकम करते हैं इन सारी चीजों को? इग्नोरेंस इज द बेस्ट मजबूरी रेमेडी इस तरह के काम के लिए। क्या कर सकते हैं, यू कैन नॉट स्टॉप एट एवरी स्टेशन और लोगों को कन्फ्रंट करें या लोगों को जी आप जवाब दें। यू नो कि जी अपने काम को आप जारी रखें, आप सेटिस्फाई तो दुनिया में किसी को भी नहीं कर सकते ना, कि जी ये बंदा मुझसे आखिरकार मुतमईन हो ही गया। मतलब बच्चा बाप से, माँ बाप से नहीं होता, माँ बाप बच्चे से नहीं होते कि जी नंबर बढ़ा ही जाओ, नहीं अभी भी कम है, अभी भी कम है, पोजीशन ले ही जाओ, नौकरी अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, बहन भाई से, ये सब रिश्तों में आपका अपना आप मुतमईन होना चाहिए आपके काम। जब आप मुतमईन हो, आराम की नींद आपको रात को आए, सोए मजे से, डिस्टर्ब ना हो, बस फिर वही दुख इंसान को इंसान मुतमईन नहीं कर सकता। सही। अच्छा नसीम, चूँकि प्रोग्राम वाइंड अप की जानब जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि जो आपके अवार्ड अभी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये कहाँ पे होने जा रही है, अगेन इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, और कौन कौन सी कंट्री से लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये होगी लाहौर में 6-12 नवंबर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो है वो होस्ट इंस्टीट्यूशन है इसका। एक दिन इसका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कसूर में होगा एक दिन, मतलब वो बुल्ले शाह के श्राइन पे जाएंगे और चांगा मांगा जो है उधर जाएंगे, सबको लेके जाएंगे। हाँ, सब सारे जाएंगे, और एक दिन चांगा मांगा भी जाएंगे, चांगा मांगा जाएंगे, एक सिटी टूर लाहौर का करेंगे। अच्छा। चांगा मांगा में कैंपिंग का हमने सोचा है कि कैंपिंग करेंगे वहाँ पे, इतनी गर्मी में आप कैंपिंग करेंगे? नवंबर में कौन सी गर्मी होगी, मौसम अच्छा ही होगा। एक दिन नरवाल जाएंगे, लाहौर घूमेंगे देखेंगे, और कॉन्फ्रेंस ऐसी बात है वो तो होनी है जिस मकसद के लिए वो आ रहे हैं। तो टूर अब मिक्सचर ऑफ बोथ कॉन्फ्रेंस एंड टूरिज्म, क्योंकि हम चाहते भी हैं कि एक तो सॉफ्ट इमेज ये देखें कि वो जगह हमारी देखें, हमारी साइट्स देखें, हमारी हिस्ट्री, कल्चर, म्यूजिक, सब चीज़ों को विटनेस करें। तो म्यूजिक भी है उसमें, हमने कल्चरल परफॉर्मेंसेज भी रखी हुई हैं हर रात को सोशल इवेंट में, तो उसमें डिफरेंट हमारे यंग लोग परफॉर्म करेंगे, बाकी जो हमारे
نون آرٹسٹس ہیں وہ بھی کریں گے تاکہ وہ سب کچھ مکس اینڈ میچ ایک ہی پیکج میں سب کچھ ملے, ان کو پروٹوکول ملے اور بڑا اچھا وہ انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے. اور پاکستان بار بار کہیں گے ہم نے واپس آنا ہے, ہم نے واپس آنا ہے. تو سیکیورٹی جو تھریٹس ہیں ان کو جس طرح آپ نے کون سے تھریٹس, کوئی بھی تھریٹس نہیں, وہ تو اظہار کرتے ہیں آپ سے. پھر سیکیورٹی کے ارینجمنٹس ہیں اس کے لیے آپ گورنمنٹ کرے گی؟ ہاں جی, وہ کیونکہ گورنمنٹ ہے یا اسٹیٹ ہے تو کوئی ایسا سیکیورٹی کوئی ایسا پرابلم تو نہیں, لیکن ٹو بی آن دا سیف سائڈ جو ہے وہ گورنمنٹ ول بی از سپورٹو اینڈ اٹ از سپورٹنگ. تو سیکیورٹی جو ہے ول بی پرووائڈیڈ. فار انسٹنس جب وہ باہر جاتے ہیں کہیں بھی جائیں گے لاہور گھومیں گے, یہ 7 دن کی, 7 ڈیز. یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے جی کہ 7 دن کی کون سی کانفرنس ہوتی ہے, تو 7 دن کی, یہ بھی ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کہ 7 دن کی. کیونکہ جو بیسٹ بات اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ینگ لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی ٹکٹ خود لے کے آ رہے ہیں اپنی جیب سے خرچ کر کے, تو اس میں یہ ہے کہ 2 دن کے لیے اگر بندہ 1,00,000 روپے خرچ کر کے پاکستان آئے تو کیوں آئے, اس کی بہت اسٹرانگ ریزنز آپ کو دینے پڑیں گے, فرض کریں ہم بینگ دا ہوسٹ. تو اس وجہ سے پھر وہ ہم نے اس کو کلچر ٹورزم سارا کچھ ملا کے دیا ان کو پیکج, وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ خرچ کرنے میں آپ ایک بڑا اچھا سا ٹرپ ہو جائے گا, تو اس میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت شکریہ نسیم خان شیخ سے, آپ نے شو میں آپ نے ٹائم نکالا اور اپنے یگسٹرز کے بارے میں اتنے سارے اچھے آئیڈیاز اور ہنٹس دیے اور آپ کس طرح سے اپروچ کر سکتے ہیں, میں نے بھی زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کی نسیم سے. نسیم میرے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, آئندہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کی